हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 11th विषय भौतिक विज्ञान हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 70 अंक का होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन है वो अब की बार हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और ये आपके हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर रहेगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखो। संवेग का विमीय सूत्र बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण होता है। चौथा क्वेश्चन है जब एक पिंड पर नियत बल लग रहा है एक समान होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि वाट निम्न में से किसका मात्रक है। इस तरीके से जो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 5 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान है, कार्य एक, फिल इन द ब्लैंक्स राशि है। दूसरा क्वेश्चन है कि बांध में रुके हुए पानी में फिल इन द ब्लैंक्स ऊर्जा होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग पिंड की फिल इन द ब्लैंक्स की माप है। पांचवा क्वेश्चन है कि घूर्णी के अक्ष बदल जाने से फिल इन द ब्लैंक्स भी बदल जाता है। इस तरीके से आज जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 5 रिक्त स्थान पूछे गए हैं और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगर आप चाहते हो इनके आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इनके आंसर भी लेकर आ जाऊंगा। प्रश्न संख्या 3 है, सही जोड़ी मिलाओ। आपको ऑप्शन है और ऑप्शन बी दे रखा है, आपको इनमें सही मिलान करना है। जड़त्व बल रॉकेट नोदन आवेग गति का तृतीय नियम, इस तरीके से आपको ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको उनको क्या करना है, इनका सही मिलान करना है। जिस तरीके से बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो इस तरीके से आपको सही मिलान करना है। जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मिलान पूछा गया है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक शब्द या एक वाक्य के अंदर उत्तर देना है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रक्रम क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति का मान वाट में क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न पर पलायन वेग का न्यूनतम मान है। इस तरीके से जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर उत्तर देना है और वो आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बल की परिभाषा लिखो अथवा में बंदूक की गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का लगता है क्यों, यह आपको स्पष्ट करना है। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। और आपका प्रश्न संख्या 6 है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिखकर समझाइए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा दे रखा है। आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हो और ये वाला नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि ससंजक बल व असंजक बलों का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा वाष्पन व गलन की गुप्त उष्मा क्या है, आपको लिखना है। यह आपका प्रश्न संख्या 7 है। फिर आपका प्रश्न संख्या 8 है, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम लिखो अथवा उष्मा गतिकी का नियम लिखो। यह आपका प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 9 है, यदि सदिश A=2i+2j+pk तथा सदिश B=2i-j+kk एक दूसरे के लंबवत है तो आपको P का मान ज्ञात करना है अथवा के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है यदि बल सदिश F=3i-4j+9kk न्यूटन वस्तु पर लगाने से वस्तु का विस्थापन S=3i+4j+8kk मीटर है तो लगाए गए बल द्वारा किए जाने वाले कार्य की गणना कीजिए। यह आपका प्रश्न संख्या 9 है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है कि समतापीय तथा रुद्रोम प्रक्रम में आपको अंतर लिखना है अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। फिर आपका प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, आपको कारण बताना है अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है तुल्यकाली उपग्रह की विशेषता एवं उपयोग लिखो। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है,
कि मापन में त्रुटि का क्या अर्थ है, होने वाली संभावित त्रुटियों को लिखकर समझाओ। अथवा के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि सार्थक अंक क्या होता है, किसी राशि के सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है। फिर आपका प्रश्न संख्या 13 है, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि SI पद्धति के मूल मात्रकों के नाम, इकाई व संकेत लिखिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन है कि जड़त्व आगुण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय लिखो व सिद्ध करो। अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जड़त्व आगुण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखना व सिद्ध करना है। फिर आपका प्रश्न संख्या 15 है, उष्माधारिता व विशिष्ट उष्मा की परिभाषा, मात्रक व विमीय सूत्र लिखो। अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ताप की स्थायी दशा में किस क्षण में गमन करने वाली उष्मा की मात्रा हेतु व्यंजक निष्पादित कीजिए। फिर आपका प्रश्न संख्या 16 है, विराम के जड़त्व व गति के जड़त्व क्या है, आपको उदाहरण देकर समझाना है। अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, केपलर के ग्रह के गति संबंधी नियम लिखो व चित्र बनाकर उसे समझाओ। फिर आपका प्रश्न संख्या 17 है कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है, आपको सिद्ध करना है। और प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर आपको अथवामिक क्वेश्चन दे रखा है, गति समीकरण लिखो, प्रथम व द्वितीय समीकरण का आपको निगमन करना है कि गति के जो प्रथम व द्वितीय समीकरण है वो किस तरीके से उत्पन्न हुए। फिर आपका प्रश्न संख्या 18 है, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखो तथा द्वितीय नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि F बराबर मा। अथवा का एक क्वेश्चन है कि विराम कोण से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। फिर आपका प्रश्न संख्या 19 है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है, आवश्यक सूत्र निगमित कीजिए। अथवा पृथ्वी तल से h गहराई पर जाने से g के मान में क्या परिवर्तन होता है, आपको आवश्यक सूत्र है उसकी उत्पत्ति करनी है। फिर प्रश्न संख्या 20 है, उष्मा इंजन क्या है, इसके प्रमुख भाग तथा कार्य सिद्धांत बताते हुए इसकी दक्षता के सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा कार्नो इंजन का सूचक आरेख खींचकर प्रत्येक भाग के परिवर्तन को समझाइए। तो इस तरीके से आपको ये 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो अब की बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के अंदर आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को पक्का कर लीजिए। और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।